औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो अजमतों का मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, बेनियाज है, बेशक जो तमाम तर तारीफ़ों का मालिक है, लायक इबादत है, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, ना कोई बेटा है ना बाप है। वही ज़मीन से दरख्तों को पैदा करने वाला है, वही एक ही ज़मीन से करेले को कड़वा और आम को मीठा पैदा करने वाला है, वही ज़मीन से चश्मे, वही आसमान से बारिश बरसाने वाला है, वही आंधियों का मालिक है, तो वही समंदरों का मालिक है, वही रोज़े सजा और जजा का मालिक है, वही सबको माफ़ करने वाला है, वही रोज़े सजा और जजा में अदल करने वाला है, वही इंसाफ करने वाला है, तमाम तर तारीफ़ों का मालिक है, वही मुश्किलात को हल करने वाला है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। आज की टॉपिक, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, वो बहुत सी कॉल्स वगैरह आ रही थी, बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से लोग कॉन्टैक्ट्स कर रहे थे कि हमारे काले तितर बुलाई किस वक्त शुरू करेंगे, कब बुलाई शुरू करेंगे। तो काले तितर के बुलाई का जो दारोमदार है, वो डिपेंड करता है आपके इलाके के ऊपर कि आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं। अगर आपका इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिस तरह क्वेटा या फिर मानसेरा वगैरह, उस साइड पे कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पर कदरे लेट, थोड़े से देर बाद जो है, सीज़न के भी थोड़े देर बाद तितर बुलाई शुरू करते हैं। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपने तितर कौन सा लिया हुआ है, किस इलाके का तितर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तितर भेजे थे, तो रात भी एक वीडियो आई है, अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में तितर पड़ा हुआ है, लेकिन मस्तियाँ कर रहा है, फुल मस्तियाँ कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक हमने तितर दिया है, तो उसने दिसंबर में भी बुलाइयाँ शुरू की हुई थी, दिसंबर में भी कमी नहीं की है। पिंडी में एक और दोस्त था, वो उसको हमने बड़ा तितर भेजा था, तो वो भी सारा, मतलब पूरा साल बोलता रहा है, दिसंबर जनवरी। कारी साहब हैं हमारे, मौलाना साहब हैं वो, उनके पास तितर था। तो ये डिपेंड करता है। दूसरा, एक्चुअल जो उनकी बुलाई का सीज़न है, वो तीसरे महीने के मिड में, मतलब 15 मार्च के बाद शुरू हो जाता है। अगर आपके पास मौसम ठीक है, तो 15 मार्च के बाद तितर की बुलाई का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और अगस्त सितंबर तक चला जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, तो सीज़न जोश पकड़ता जाता है। मार्च अप्रैल, अप्रैल में तो सारे तितर, तकरीबन 15 अप्रैल से सारे तितर ही स्टार्ट हो जाते हैं। अप्रैल में चक्रियाँ भी शुरू हो जाती हैं, टूर्नामेंट्स भी शुरू हो जाते हैं, टांग वाले भी हो जाते हैं, चक्री भी हो जाती है, तो बहुत से टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सीज़न है काले तितर का, वो बेसिकली जो डिपेंड करता है, वो आपके तितर के ऊपर और आपके इलाके के सर्दी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो मौसम है वो किस तरह का है। अगर मौसम जल्दी ठीक हो गया, जिस तरह कराची का मौसम है, तो कराची में तितर दिसंबर में भी बोल रहे थे, जनवरी में भी बोल रहे थे, लेकिन फरवरी में जब ठंड पड़ी है, हवाएं चली हैं, तो तितर चुप हो गए। तो हवाओं में वैसे भी तितरों को बंद किया जाता है, तो तितर जो है यहाँ पर कराची में चुप हो गए थे, लेकिन अभी मार्च में दोबारा शुरू हो गए। मार्च में अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न भी ठीक है, गर्मी भी ठीक है, और रात को भी ठीक होता है, रात को भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तितर दोबारा शुरू हो गए हैं यहाँ पर। सिर्फ फरवरी में चुप हुए हैं पूरा साल में। और जो तितर हमने भेजे हुए थे, जो पट्टे भेजे थे, और उन लोगों ने भी अच्छी तरह पाले हैं, मतलब हमारी हिदायत के मुताबिक जिस तरह मैं कहता गया, उन्होंने वैसे ही पाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास तितर मस्तियाँ भी कर रहे हैं, और बग़ैर किसी कोशिश के बुलाई भी कर रहे हैं, कच्ची बुलाई भी स्टार्ट की हुई है। यहाँ कराची में भी बहुत से दोस्तों ने लिया है, तो यहाँ भी उन्होंने बुलाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, पहले पोर का तितर होता है, वो हमेशा ताकतवर होता है, उसकी बुलाई जल्दी स्टार्ट हो जाती है और आपका शौक पूरा कराता है। चक्रियों में भी पहले तितर जो, पहले पोर के जो तितर हैं, वो अच्छी बुलाई करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी आपको कोई भी सवाल हो, इस किस्म का कोई भी सवाल हो कि तितरों के बारे में, तितरों की खुराक के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एक तफसील से वीडियो बनाकर मैं आपको यहां पर वीडियो शो करूं, ताकि बाकियों का भी भला हो जाए, तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल भी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 0320 66 00671, ये मेरा मोबाइल नंबर है।
और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मोबाइल अक्सर औकात मसरूफ़ होते हैं तो कम ही उठाते हैं, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, जैसे ही बंदे के पास टाइम होता है तो आके व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।